हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। अभी मैंने शाबाश मिंटू का ट्रेलर देखा, वायाकॉम 18 पे आया है ये यूट्यूब के ऊपर। और इसको देख के ना मुझे एक चीज़ सबसे पहले नज़र आई कि ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी बायोपिक नहीं है मिथाली राज की। इसके अंदर बहुत कुछ और दिखाया जा रहा है। इसके अंदर आप सिर्फ राइज ऑफ वुमेन क्रिकेट नहीं देखोगे, आप इसके अंदर सिर्फ जेंडर बायसेस की स्टोरी नहीं देखोगे, इंडिविजुअल पर्सनालिटी का राइज और इंस्पिरेशन ही सिर्फ नहीं देखोगे आप, बहुत कुछ इसके अंदर देखने वाले हो। तो इसके अंदर काफ़ी सारी इमोशंस आपको देखने वाली है, तो बहुत कुछ इस ट्रेलर के अंदर बताने की कोशिश करेगी। ये थोड़ा लंबा ट्रेलर है और आपको काफ़ी हद तक कहानी यहाँ पर दिखने की कोशिश करी जाती है कि कैसे मिथाली राज बनी और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इन वुमेन क्रिकेट इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो गया कि आपने अल्टीमेटली क्रिकेट, वुमेन क्रिकेट देखना शुरू कर दिया। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है और मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों। देखो, अगर आपको कोई चीज़ बोल दी जाए ना संभालने के लिए, तो उसको संभालना आसान होता है, बिल्ड करना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच, ताकत और जैसे कहते हैं ना, प्लानिंग की ज़रूरत होती है, एफर्ट की ज़रूरत होती है, हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पर आपको दिखती है। और मैं यह भी बोलूँगा कि तापसी पन्नू का जो यहाँ पर रोल है, वो मुझे पहले जब उसकी लक्ष्मी रॉकेट आई थी तो उसके अंदर जो फिज़िकल स्पोर्टीनेस थी वो थोड़ी कम दिखी थी, जो यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी क्योंकि जो रोल का प्रिपरेशन है वो ज़्यादा अच्छा है। कुछ ही सीन्स के अंदर विजय राज बहुत इम्प्रेसिव तरीके से लगे हैं एज अ कोच। और एक सीन पर्टिकुलरली जब वो एक बच्ची आती है, उसके पैर छूने वाले होते हैं, वो उसको मना करता है। तो हमारी सभ्यता में भी यही बोला जाता है कि लड़कियों से पैर नहीं छुवाते हैं। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी बातों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। ये 15 जुलाई को रिलीज़ भी होने वाली है जल्दी। और ये इस तरीके की मूवी है जो आपको बैठ के झंझोड़ती तो है, बट आज के टाइम के हिसाब से ये कितनी OTT वाली सेगमेंट में है, कितनी है थिएटर वाली, है सोचने वाली बात होगी। आपको आज ये बताना है कि आप इसको थिएटर में देखना पसंद करोगे कि OTT के ऊपर। लेकिन ये कंटेंट जो है वो लाजवाब है और बहुत कुछ बोल रहा है। इट कैन नॉट बी मिस्टेकन एज जस्ट अ बायोपिक, ये तो फॉर श्योर है। तो ये उससे काफ़ी बड़ी मूवी है, ये काफ़ी कुछ और डिस्क्राइब कर रही है। एक पर्सनैलिटी बिल्ड करना, एक करियर बिल्ड करना, इंस्पायर करना और वुमेन क्रिकेट को आगे लेके जाना, ये सब कुछ बताती है। तो जल्दी मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।